आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो टू एवरीवन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको रिलेशन जो है वो डिराइव करना है बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन जो है इस रिएक्शन के लिए निकालना है। फाइन, सो देखो, सबसे पहले हमें पता होता है एक रिलेशन की हमारे पास जो डेल्टा जी होता है वो हमारा इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आपका होता है आर टी ln होता है आपके पास। ln यहाँ पर हम लेते हैं रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट साइड। सो कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट साइड पर क्या है, सी की रेस टू द पावर, उसकी सी भी करोगे, स्टोइकोमेट्री भी लेते हैं, फिर कंसंट्रेशन होगी डी की, फिर रेस टू द पावर डी डिवाइडेड बाय आपका होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर, उसकी स्टोइकोमेट्री रेस टू द पावर, फिर ए होगा और उसकी स्टोइकोमेट्री दैट इज ए। ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो बोलता क्या है कि जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है सो आपका जो डेल्टा जी होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। फाइन, प्लस ये जो आपका रेशियो होता है इसे हम के इक्विलिब्रियम के इक्वल रख देते हैं। फाइन, आप कहोगे कि ये जो हमारे पास रेशियो है ये आपका क्या होगा, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। वैसे ये जो हमारे पास रेशियो होता है इसे हम जनरली क्यू सी से डिफाइन करते हैं। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर रेशियो है ये आपका क्यू सी से डिफाइन होता है, बट इक्विलिब्रियम पे आपका ये जो क्यू सी है ये आपका क्या होता है, के इक्वल हो जाते हैं। के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो बट क्वेश्चन में आपको के से डिफाइन किया हुआ है तो हम यहाँ पर के ही यूज़ कर लेते हैं। अब फर्दर क्या करोगे, आप ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सो आपके पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। फाइन, सो यहाँ से आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। सो देखो, एक तो ये आपके पास रिलेशन आ गया डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम में जब इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग दैट इज एल एन। इसी को आप क्या है लॉग की टर्म्स में भी ले सकते हो जिसका बेस पावर जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। सो ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। सो एक आपको ये रिलेशन देखने को मिलता है। फाइन, सो इन दोनों रिलेशंस को ये आप क्या है अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका आर जो होता है ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें पता होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और आपका जो टी होता है ये आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है फॉर द केमिकल रिएक्शन। फाइन, सो इस तरीके से आप रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।